हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टर के ऊपर। जी हाँ, इसमें जो है आज की क्लासेस में मैं शॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा, शॉर्टिंग के ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा शॉर्टिंग भी बताऊंगा, साथ में फिल्टर की भी डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और अगर कोई डाउट या क्वेश्चंस होता है तो मैं नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और साथ में एक क्लासेस आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन कहीं से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टर एक्सेल 365 में। तो हमारे साथ राधिका जी हैं। आज की जो सेशन है वो आज का सेशन है सॉर्टिंग के ऊपर, हाउ कैन सॉर्ट द डेटा। तो सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि हम डेटा को सॉर्ट क्यों करेंगे, क्या जरूरत है डेटा को सॉर्ट करने की। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे इसमें से टॉप फाइव क्वांटिटी को रखना है, मतलब कि मुझसे मांगा गया कि टॉप और फाइव की मुझे मेल कर दो। तो टॉप फाइव कैलकुलेट करने की बजाय मैं क्या करूंगा कि इसको शॉर्ट कर दूंगा जेड टू ए, मतलब कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके अगर टॉप पर आ गया मैं टॉप फाइव को कॉपी करूंगा और जहां मेल भेजना है वहां पर इसको मेल कर। उसी तरह से क्या होता है सिक्वेंसली अरेंज करना। मान लीजिए कोई लिस्ट ही आप कहीं पे लगा रहे हैं, अगर उस लिस्ट में किसी का नाम सर्च करना है, अगर वो अल्फाबेटिक है तो अपने नाम का अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ढूंढ लेगा। अगर अल्फाबेटिक नहीं है या कोई सॉर्टिंग सिक्वेंस नहीं है तो क्या होगा, उसको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा, पूरा लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा। सो सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सॉर्टिंग के ऊपर। तो सॉर्टिंग से पहले डेटा सिलेक्ट करना है या नहीं करना है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, अगर आपका डेटा में कोई भी ब्लैंक रो नहीं है, ब्लैंक रो मतलब कि पूरी की पूरी रो ब्लैंक, इस तरह से अगर इस तरह से रो ब्लैंक है तो आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत है। आप अगर डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग इतने ही एरिया को शॉर्ट कर देगा। लेकिन पूरा का पूरा रो अगर इसमें एक भी डेटा है, जैसे कि यहां हमने दे दिया या कहीं और दे दिया, तब आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब वो सिलेक्ट आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल ए हो जाएगा। तो अगर डेटा में ब्लैंक रो है तो नीड टू सिलेक्ट, अगर ब्लैंक रो नहीं है तो सॉर्टिंग से पहले सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो आपका सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली डेटा को डिडक्ट कर लेगा। दूसरी चीज, मुझे सॉर्ट करना है एक सिंगल फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे यहां रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो मुझे बस रीजन पे जाके अपना कर्सर रखना है और यहां सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू एट, मतलब कि ए टू जेड मतलब कि असेंडिंग, जी टू जेड मतलब जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग, तो जिसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है उस पर क्लिक करें, आपका सॉर्ट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे दो फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मैं चाहता हूं कि रीजन एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, रीजन एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, देन क्या करूंगा, यहां कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा, एड लेबल करूंगा, एड लेबल में मैं यहां पे प्रोडक्ट ले लिया और इसकी सीक्वेंस ले ली, एड ओके कर। अब आपका रीजन एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ है। तो मोर देन वन फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको सॉर्टिंग में कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, कस्टम शॉर्ट, एक सिंगल फील्ड है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मल्टीपल फील्ड है
तो फिर आपको कस्टम लिस्ट कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि ये नॉर्मल सॉर्टिंग तो जनरली आप लोग जानते ही हैं, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे इस डेटा में मंथ भी है, मैं यहाँ पे मंथ ऐड कर देता हूं, जैन फेब मार्च मैंने सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। अब मुझे मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, अब यहां आएगी प्रॉब्लम। अगर आप इसको ए टू जेड या जेड टू ए सिलेक्ट करते हैं तो आपको शुरुआत में क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई नहीं आएगा, अप्रैल के बाद अगस्त आएगा, क्योंकि इसने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं किया है। किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, ये किया है अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग सॉर्ट। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पे आती है कि मुझे कैसे करें। तो आपको जब कस्टम सॉर्ट करते हैं तो कस्टम सॉर्ट करते समय मंथ को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे दिख रहा होगा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट कौन सी, जो कि मैंने शुरुआत की क्लास में हमने बताया था कि ऑप्शन के अंदर एडवांस के अंदर सबसे लास्ट में आपके सामने एडिट कस्टम लिस्ट है। अब इस कस्टम लिस्ट पे आए और यहां से जैन फेब मार्च को सिलेक्ट कर ले। जी हाँ, कस्टम लिस्ट। तो सेम चीज यहां हम करते हैं, इस यहां पे शॉर्ट करते समय, कस्टम शॉर्ट करते समय मैं यहां पे कस्टम लिस्ट को ले रहा हूं और कस्टम लिस्ट में मैंने सेलेक्ट कर लिया जैन फेब मार्च और फिर इसको करता हूं ओके एंड ओके। आप देखिए जनवरी आया, उसके बाद यहां फरवरी आया, उसके बाद फिर मार्च आया। तो ये कंसेप्ट क्लियर है दिनेश जी या राधिका जी? हाँ। डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राधिका जी आपको कोई डाउट नहीं? अब इसमें बात आती है कि मुझे अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, क्योंकि कैलेंडर ईयर चलता है जैन टू दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। तो क्या करें, तो आपको कस्टम सॉर्ट करते समय कस्टम लिस्ट में जाए और यहां पे देखिए अप्रैल टू मार्च है, बट ये मेरे सिस्टम में दिख रहा है, आपके सिस्टम में नहीं दिखेगा। तो आपके सिस्टम में कैसे दिखेगा, तो आपके सिस्टम में दिखेगा इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कहां से, तो न्यू लिस्ट पे आइए और आप यहां पे वन बाय वन करके ऐसे अप्रैल मई जून ऐसे आप जो है मार्च तक लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए देन ओके देन ओके। अब देखिए आपके सामने अप्रैल मई जून आ जाएगा। अब कस्टम लिस्ट में मैंने तो अपना लिस्ट क्रिएट किया, तो क्या ये लिस्ट कोई और भी क्रिएट किया जा सकता है? जैसे कि मैं चाहता हूं अल्फाबेटिक ना हो, पहले यूरोप आए, देन आपका अमेरिका आए, देन आपका मिडिल ईस्ट आए, देन एशिया पैसिफिक आए, ऐसे मैं सीक्वेंस करना चाहता हूँ। या फिर आपके मान लीजिए टीम का लिस्ट है, तो आप चाहते हैं सबसे पहले मैनेजर्स आए, देन टीम लीडर्स, देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन एग्जीक्यूटिव, इस तरह का आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको कस्टम लिस्ट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। कहां पे, जैसे आपने अप्रैल टू मार्च को क्रिएट किया था न्यू लिस्ट पे जाकर, वैसे ही क्रिएट करना पड़ेगा, बट वन टाइम, ऐसा नहीं कि बार बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। ओके? तो कस्टम लिस्ट समझ में आ गया? हाँ। चलिए अब कस्टम लिस्ट के बाद आता है कि आप जो डेटा सॉर्ट करते हैं वो डेटा सॉर्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। कभी कभी क्या है, जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते समय हमें कोई गलत चीज मिल जाती है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, या फिर डिफरेंट मिल जाता है तो हम उसको कलर से हाईलाइट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी मैंने कलर किए हुए हैं, येलो कलर किया हुआ है, वो सारा सबसे टॉप पे या बॉटम पे जो मेरी च्वाइस है वहां पे शॉर्ट होके आ जाए। तो शॉर्ट कलर के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। कैसे,
यहाँ कस्टम शॉट पे आप आएंगे और यहाँ अपने फिल्म एमआरपी किसके अकॉर्डिंग शॉट करना है, एमआरपी, तो एमआरपी को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ सेकेंड जो आता है शॉट ऑन, शॉट ऑन मतलब कि यहाँ पे रिकॉल सिलेक्ट होता है शॉट वैल्यू, तो मुझे शॉट वैल्यू क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं इसके कलर के अकॉर्डिंग शॉट करना है। तो जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको फोर ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका है सेल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन से आपका सेल कलर, तीसरा ऑप्शन आपका फॉन्ट कलर और चौथा है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। तो सेल वैल्यूज तो हम कर चुके हैं, सेल कलर करना है, सेल कलर एंड फॉन्ट कलर। अब सेल कलर क्या होता है, फॉन्ट कलर क्या होता है, ये आपको पता है जी, आपका कैरेक्टर जो होती है जो डेटा का कलर होता है वो आपका फॉन्ट कलर होता है या, और ये आपकी बैकग्राउंड कलर जो होती है वो आपकी सेल कलर। तो मुझे सेल कलर का अकॉर्डिंग करना है। अब सेल कलर जैसे सिलेक्ट किए यहाँ ही आपके सामने दिख गया ऑर्डर, ऑर्डर में मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है अपनी कलर्स। अब इस कॉलर में जितने भी कलर्स होंगे सारे कलर का लिस्ट यहाँ आपको दिख जाएगा। तो मुझे चाहिए येलो, तो हमने यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर दिया, ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम वो आपके ऊपर सिलेक्ट करता है। इसको हमने सिलेक्ट किया, देन ओके, ये आपका ऑन द टॉप आ गया। तो जितने भी येलो कलर थे वो इकट्ठा एक जगह पे आ गया। अच्छा मल्टीपल कलर होंगे तो उसका अकॉर्डिंग भी आ जाएगा ना सर? तो वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको एक जी, जी। जैसे हमने किया था मल्टीपल फील्ड्स को। जी सर। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। राधिका जी आपको डाउट? एक बार आप मल्टी कलर करके दिखा सकते हो? मल्टी कलर मतलब कि मुझे यहाँ पे कुछ और कलर, ऑरेंज रेड या कुछ भी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे ऊपर येलो कलर होगा या आपके ग्रीन कलर होगा, ये डिसाइड करना होगा। तो हमने यहाँ कस्टम शॉट और यहाँ पे हमने एमआरपी को सिलेक्ट कर लिया, सेल कलर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया आपका येलो। फिर यहाँ से ऐड लेबल किया अगेन एमआरपी और यहाँ पे सेल कलर और यहाँ पे हमने ग्रीन। ओके और हमेशा हम जब सॉर्टिंग करते हैं लाइक मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है कि सॉर्ट तो कर दिया डेटा पर कभी रिवर्स करना रहता है तो वो रिवर्स नहीं होता, मतलब एक बार सॉर्टिंग हो गई नहीं, तो उसका सिस्टम इसमें नहीं है रिवर्स का। जब कंट्रोल जेड कर सकते हैं लेकिन रिवर्स कंट्रोल जेड कर सकते हैं उससे और कुछ नहीं कर सकते, मतलब अभी येलो ग्रीन कर दिया अभी आपको ऐसा लग रहा है कि रिवर्स करने के आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। आप डेटा के लास्ट में एक सीरियल नंबर ऐड कर फर्स्ट टाइम सॉर्ट करने से पहले, समझ गए? और जब भी आपको रिवर्स करना हो आप इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लें। ओके हाँ ये अच्छा आइडिया, ठीक है ना। जब कोई चीज नहीं होता है ना मैम तो हमें एक कॉमन सी चीज लगानी पड़ती है, भाषा में बोलते हैं जुगाड़, जुगाड़ ठीक है तो हो जाता है। और मैं तो बिहार से हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे जुगाड़ है क्योंकि हम जुगाड़ करने में हमारा स्टेट तो सबसे आगे है। बिहार ही नहीं है सर जुगाड़ में। ओके तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो कस्टम शॉट में हम बात कर रहे थे सेल कलर, अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन की। तो क्या होता है कि हम लोग डेटा को पहचानने के लिए आइकन लगा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आइकन लगा दिया इससे मुझे पता चल रहा है कि बॉटम है और बहुत सारी जगह पे यहाँ पे आपको टॉप दिखेगा, सब बॉटम ही आ रहा है। अच्छा एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी इस कारण से ऐसा हो रहा है, मैं बचे क्वांटिटी और मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर कोड होता है वो लगा दिया और यहाँ पे जो है फिल्टर वाई यहाँ टॉप बॉटम है, मतलब कि इसमें क्या है एक बहुत वैल्यू से आते क्या ना, इस कारण से ऐसा हो। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ,
इसमें हमारा लोअर है, मिडल है, अपर है, लोअर है, मिडल है, अपर, राइट। मैं चाहता हूं कि सबसे अपर वाला पहले आए, देन मिडल वाला आए, देन लोअर वाला आए। ऐसे में से आइकन के साथ ही शॉर्ट करना चाहता हूं। तो यहां कस्टम शॉर्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपना क्वांटिटी और यहां पे सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, और फिर यहां पे टॉप एक और लेबल लेंगे, अगेन क्वांटिटी, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, और यहां हम सिलेक्ट करेंगे मिडल, देन द लास्ट क्वांटिटी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स एंड देन लोअर। तो यहां पे आ गया ऑन द टॉप, ऑन द टॉप सबसे दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा अपर आ गया, उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपका मिडल आएगा, उसके नीचे देखेंगे तो लोअर आएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बिहाव भी शॉर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या होता है, डेटा हमारा कहीं पे कैप्स में होता है और कहीं पे स्मॉल में होता है। मैं चाहता हूं कि जब मेरा शॉर्ट हो तो मेरा आइकन जो है, सॉरी, हमारा जो डेटा है वो जो अपर लेटर में है, मतलब कि कैप्स में है, वो पहले आए, उसके नीचे हमारा लोअर में जो है लोअर में है। मतलब कि दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ, दोनों को अलग अलग करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ और यहां पे सिलेक्ट करता हूं मंथ, और यहां पे सेल वैल्यूज, और अपना जो लिस्ट है वो लिस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। यहां ऑप्शन में मैं यहां रखूंगा केस सेंसिटिव, दिख रहा है आपको? तो केस सेंसिटिव जो आप क्लिक कर देंगे, देन ओके करेंगे, देन आपका देखिए अप्रैल सबसे ऊपर में आ गया, जो लोअर लेटर में था, और जो अपर लेटर में है उसके नीचे आ गया। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है और इस चीज को भी जानना जरूरी है। हाँ। बात करते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट चीजों पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ दिया और यहाँ पे मैं देता हूँ, मुझे शॉर्ट, देख अभी तक जो शॉर्ट करके दिखाया मैंने आपको वो था टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, मैं चाहना चाहता हूं राइट से लेफ्ट की तरफ, समझे? तो यहां करना है, तो याद रखिएगा जब भी आप लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन ले तो आप अपना हेडिंग को सिलेक्ट मत करें, अपना हेडिंग भी शॉर्ट हो जाएगा। फिर यहां पर आते हैं हम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट हमने सिलेक्ट, इसमें सिलेक्ट नहीं किया, सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे करेंगे लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपको जो ओरिएंटेशन दिख रहा है इस ओरिएंटेशन में हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, देन ओके, यहाँ पे रो वन एंड ओके, आ गया यहाँ पे। समझ गए? ये तो हो गई नॉर्मल सॉर्टिंग। इसमें से तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पहले से भी आती हो। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो कि जहां तक मुझे उम्मीद है आपको आते ही नहीं हो। इसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा लेता हूँ, बड़े डेटा पे कंफ्यूजन। अब मेरे पास एक डेटा है, मुझे क्या करना है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, एवरी रो के बाद वन ब्लैंक रो। कैसे करें? सिंपल है, वही जुगाड़। हम क्या करेंगे, लास्ट में एक सीरियल नंबर ऐड करेंगे और यहां पे सीक्वेंस को क्या 1 2 3, और इसी सीक्वेंस नंबर को यहां कॉपी करके नीचे हम रिपीट कर देंगे। अभी क्या है कि इसका कंसेप्ट समझिए कि हम सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। यहां एक वन है जिसमें डेटा है और नीचे एक वन है जिसमें ब्लैंक है,
लेकिन जब शॉर्ट होता है वो सिंगल सेल नहीं होता है, पूरी की पूरी रो ऊपर नीचे जाती है। जब शॉर्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि इसके नीचे रो अपना रो वन जो है अपने पूरी रो के आ जाए, लेके आ जाए, जो कि उसका ब्लैंक रो है। तो एक हो गया आपका वैल्यू, दूसरा हो गया ब्लैंक। ऐसे टू भी करेगा लेके आएगा और यहाँ पे रो एंड ब्लैंक, एक ब्लैंक और एक फिल। तो इसको शॉर्ट करके दिखाता हूं मैं, कस्टम शॉर्ट, और यहां हम सिलेक्ट करते हैं सीरियल एंड ओके। हो गया सर, समझ में आया? दोबारा करके दिखाऊं? समझ में आया दिनेश जी आपको? सर ये तो आया सर। चलिए अब इसमें एक बात और, कभी कभी और प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा में पहले से ही बहुत सारे ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक होते हैं। अब मुझे इन सारे ब्लैंक रो को डिलीट करना है, तो कैसे? फिल्टर करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपने से बोला कि फिल्टर करके डिलीट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब जनरली डिलीट करेंगे तो आपका 1,000,000 रो नीचे से ऊपर मूव होता है। अगर छोटे मोटे डेटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़ा डेटा है तो फर्क पड़ जाएगा। उसी में अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पीछे का जो डेटा, जो बैकग्राउंड का डेटा है, उसको भी डिलीट होने के चांसेस होते हैं। सो हम यहाँ डिलीट करेंगे ही नहीं, लेकिन डिलीट जैसा फिल जरूर करेंगे। कैसे? हम जाएंगे शॉर्ट में और हम इसको किसी एक के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने से क्या होगा कि डेटा एक तरफ आ जाएगा और ब्लैंक आपका नीचे चला जाएगा। तो हमने ब्लैंक को डिलीट ही नहीं किया, बस उसको हमने मूव कर दिया सबसे लास्ट में। ये आपका जल्दी भी हो गया, फास्ट भी हुआ, और आपका एरर क्या बोलते हैं, हैंग भी सिस्टम नहीं करेगा, और पीछे का डेटा है कोई वो डिलीट भी नहीं करेगा। समझ गए? हाँ। तो इस तरह से चीजें भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस, अभी देखिए मुझे अभी 15-20 मिनट और पढ़ाना था, बट क्या है आज जो है दो तीन लोग नहीं है बैच में किसी कारण से, मंडे है साइंस, तो आज मैं आज यहीं पे खत्म करता हूं मैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी जो मैंने बताया कि मैं एक एक रो डिलीट, एक एक रो को इंसर्ट कर सकता हूं ब्लैंक, हर एक रो के बाद एक रो, आपको रिसर्च करना है किस तरह से मुझे सॉर्टिंग के जरिए हर 3 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट, या 5 के, या 7 के, या 10 के, वो मैं डिसाइड करूंगा। ये एक एक्शन में स्पेस क्या बोलते हैं, स्पेस बार दबा के एक लाइन बना दी, फिर F4 का एक्शन नहीं कर सकते अपन? मैम 1,000,000 डेटा है, 1,000,000 बार F4 दबाएंगे? एक साथ नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, एक साथ नहीं होगा। तो जो आप बता रहे हो क्वेश्चन, हर थर्ड के बाद एक रो हमें इंसर्ट करनी, तो ये फिक्स है ना, थर्ड रो ही होगी? हाँ, जैसे फिक्स था ना कि हर एक के बाद इंसर्ट करना फिक्स है, ऐसे हर थर्ड के बाद इंसर्ट करना है, या हर फिफ्थ के बाद इंसर्ट करना है। सर वो आप वाला जो पहले वाला लॉजिक देखे तो सर वो तो लंबा हो जाएगा फिर, वैसे तो पॉसिबल होगा नहीं। अब यही तो आपको सर्च करना है। जी सर, तो बोलते हैं रिसर्च। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप मेरी क्लास को ऑब्जॉर्व करें, अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व करें, समझें एक एक चीज को, जहां डाउट आता है उसी तरह मुझसे पूछे जैसे आप क्लासरूम में पूछते हैं। उसके बाद मेरी क्लासेस की वीडियोज बन गई, वीडियोज आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, या आपने मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं कुछ देर बाद मैं आपको भेज दूंगा, अगर मुझे बोलेंगे तो। रिकॉर्डिंग को देखें, प्रैक्टिस करें जैसा मैंने करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करें, उसके बाद एक रिसर्च करें। हो सकता है मैं रिसर्च खुद दूं आपको, आप खुद से करें। कैसे करें? जैसे कि मान लीजिए सॉर्टिंग पढ़ाया, तो आप जाएंगे गूगल पे सॉर्टिंग को सर्च करेंगे, बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, उस लिस्ट में से आपको चेक करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा तरीका, कौन सा एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं समझाया, या फिर मेरे समझाए गए तरीके के अकॉर्डिंग आप नहीं समझ पा रहे, या अलग है, कुछ अलग है, एक्स्ट्रा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ जुगाड़ है,
तो उसको समझने की कोशिश करें, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया उसके स्क्रीनशॉट ले या उसका लिंक ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको खोल के देखूंगा, मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है तो अगली क्लास में मैं आपको कवर कर दूंगा। मुझे पता चला कि बस छोटी सी चीज है, उसको मैं व्हाट्सएप पे ही समझा दूंगा या फोन करके समझा दूंगा कि हाँ ये छोटी सी चीज है, इसको ऐसे कर लो हो जाए। सर एक रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स नहीं करेंगे तो नई आइडिया नहीं आएगा, नई चीजें नहीं आएगी, समझ गए? जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में आप एक फॉर्मूला सीखते थे और उस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सेम हियर कि मेरी एक एग्जांपल को रेफरेंस में लेके उससे रिलेटेड कई सारे सिंपल मीडियम एंड कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके सर एक क्वेश्चन सर पूछिए। क्या है सर? एक्चुअली मैंने आपकी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी ना सर हमारी, हेलो सुन रहा हूँ। एक्चुअली सर मैंने आपसे वो एक तो कॉमा सेपरेटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था ना सर। हाँ तो सर मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या सर, इफ यू डोंट माइंड? वो आपकी इसमें आएगा, कॉमा सेपरेटेड जो है वो आता है इसमें, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट टू कॉलन में, मैं आपको समझा दूंगा कल की क्लास में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है सर, ओके बाय, सी टुमारो सेम टाइम, ओके बाय, कॉल कर लीजिएगा, थैंक यू।